छोटे सुबेदार जी, बाबा साहेब की अनुपस्थिति में आपकी प्राथमिकता दरबार होनी चाहिए। आपको मालवा की सत्ता संभालनी है और इसके लिए आपका समय पर दरबार पहुंचना बहुत जरूरी है। हम जानते हैं अहिल्या, और हमने कहा ना, हम दरबार ही जा रहे थे अहिल्या। दरबार ना जाकर बाड़े से बाहर जाने की क्या ठोस वजह थी, ये तुम अच्छी तरह से जानती हो। और मालवा की सत्ता हमें संभालनी है, हम जानते हैं। मालवा की प्रजा के प्रति हमारी एक जिम्मेदारी है, हमारा कर्तव्य है, हम ये भी जानते हैं। लेकिन मालवा के वंश की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी हमारी है अहिल्या, और हम उसे अनदेखा नहीं करेंगे। और वैसे भी नई डाक व्यवस्था के बारे में गुनोजी भाऊजी को सब बारीकियां पता है, वो जानते हैं उस बारे में। लेकिन आज दरबार में डाक व्यवस्था से जुड़ी धनराशि की मंजूरी का निर्णय लेना था छोटे सूबेदार जी। इस प्रतिपादन को आगे बढ़ाना और उसका कार्य शुरू करवाना अलग बात है, लेकिन आपने तो गुनोजी दाजी को धनराशि को मंजूर करवाने के सारे अधिकार दे दिए। तो क्या हो गया, क्या हो गया अगर दे दिए तो? अहिल्या, गुरुजी भौजी कोई गैर नहीं है, हमारा परिवार है, हमारे परिवार का एक हिस्सा है वो। गुरुजी सरदार, आपने तो बहुत सोचकर एक एक कार्य के लिए एक उचित रकम तय की, हमें तो आपकी प्रस्तुति में कोई कमी नहीं लग रही। गुरुजी सरदार, हम एक सुझाव देना चाहते हैं। जैसा कि आपने दूर के गांवों में डाक चौकियां खोलने का प्रस्ताव रखा है, हमें सबसे पहले उन्हीं डाक चौकियों का निर्माण करके इस नई डाक व्यवस्था के कार्य का प्रारंभ करना चाहिए। हमारी जो मौजूदा डाक सेवा है, उसके पुराने और भरोसेमंद कर्मचारियों को रकम देके उन डाक चौकियों का कारभार और संचालन सौंपना चाहिए। गंगोबा तात्या, बहुत ही उत्तम सुझाव दिया है आपने। आप अपने इस सुझाव को हमें लिखित में दे दीजिए, ताकि हम इसे इस दस्तावेज में शामिल कर सकें। अभी के लिए हमारे अधिकारी ने नई डाक व्यवस्था को सुधारने के लिए जो भी धनराशि बताई है, उसकी मंजूरी और हामी दरबार से ले लेते हैं। क्योंकि तात्या, क्या है ना, हमें सारे कार्य जल्द से जल्द शुरू करवाने होंगे। गुणोजी सरदार, हमें अभी पूरी रकम की मंजूरी लेने की जरूरत नहीं है, हम इसे दो पड़ाव में बांट सकते हैं। पहले पड़ाव में जितना खर्च लगेगा उसकी मंजूरी अभी ले सकते हैं, और इस नई डाक सेवा के पहले पड़ाव के अंत में अनुभव के आधार पर समीक्षा करके दूसरे पड़ाव की मंजूरी ले सकते हैं। हम आपके सुझाव से सहमत है तात्या। नहीं गंगोबा तात्या, ऐसे तो बहुत समय व्यर्थ होगा। एक ही मुद्दे पर हम कितनी बार चर्चा करते रहेंगे। सारा हिसाब किताब तो हमने दरबार को अभी समझा दिया है। क्यों, आप सबको हमारी प्रस्तुति से कोई आपत्ति तो नहीं है ना? तो दरबार के बहुमत के अनुसार हम छोटे सूबेदार जी की तरफ से इस प्रतिपादन को मंजूरी देते हैं। रिश्ते
और कर्तव्य, इन दोनों को एक दूसरे के साथ उलझाना सही बात नहीं है। उस विष प्रयोगी को तो कोई और भी पकड़ सकता था छोटे सूबेदार जी। और रही बात गुनोजी दाजी की, तो उनका इतिहास आपसे छुपा नहीं है छोटे सूबेदार जी। लोग बदलते भी हैं अहिल्या, समय के साथ साथ लोगों में परिवर्तन भी आता है। मुझे समझ नहीं आता, अगर हम गुनोजी भाऊजी पर विश्वास कर सकते हैं अहिल्या, तो तुम उन पर भरोसा क्यों नहीं कर पाती? और ये बात तुम ही कहती हो ना अहिल्या कि लोगों पर भरोसा करना चाहिए, उन पर विश्वास करना चाहिए, तभी वो आप पर जान तक न्योछावर कर देते हैं। लोगों पर विश्वास करना चाहिए, लेकिन उन पर अंधविश्वास करना ठीक नहीं है छोटे सूबेदार जी। और बाबा साहेब खुद किसी पर अंधविश्वास नहीं करते। उन्होंने हम दोनों को हमेशा यही सिखाया है कि एक राजा के लिए किसी पर भी अंधविश्वास करना एक राज्य के लिए घातक हो सकता है। बाबा साहेब की और तुम्हारी हमें लेकर एक ही राय है ना अहिल्या, कि हम खुद से कोई सही निर्णय ले ही नहीं सकते, हमें उतनी समझ ही नहीं है, है ना? आप बात को कहां से कहां ले जा रहे हैं छोटे सूबेदार जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपकी बातों से तो ऐसा ही लग रहा है छोटी रानी। मैंने बहुत सुना था कि छोटी रानी अपने आप को महान समझती है, अपने पति से भी ऊंचा समझती है खुद को, लेकिन आज जो देखा उसके बाद मुझे वह सब बातें सही लग रही हैं। एक पत्नी अपने पति के साथ इस तरह की बहस कैसे कर सकती है? पार्वती भाई साहब, आप पूरी बात नहीं जानती, मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ। छोटे सूबेदार जी को आपकी और आपके बच्चे की इतनी चिंता लगी रहती है, आपको उनकी स्नेह की, उनकी चिंता की कोई कदर है भी या नहीं? कैसी पत्नी आप छोटी रानी? देखिए, आप इस परिवार में अभी अभी आई है। छोटे सूबेदार जी से मैं जो कह रही थी, उस बात के पीछे एक कारण है, एक इतिहास है। अब तक आप वो सब नहीं जानती, इसलिए आप मेरी बात इतना जानती हो छोटी रानी कि जब किसी को कोई चीज बहुत आसानी से मिल जाती है, तब उसे उसकी ना तो कोई कीमत होती है और ना ही कोई कदर। पार्वती बाई साहेब, मन मुटाव के लिए ये समय उचित नहीं है। इस वाड़े में तो हमेशा आप ही सही होती है, मैं जो कहती हूँ, जो सोचती हूँ, वो हमेशा गलत होता है। और अब तो आपके हिसाब से छोटे सूबेदार जी भी गलत हैं। देखिए आप, अहिल्या, यहाँ क्या हुआ? अहिल्या तुम ठीक हो? ये क्या हो रहा है? किस बात को लेकर इतना झगड़ा हो रहा है यहाँ? अहिल्या तुम ठीक हो ना? जी मैं ठीक हूँ सासू भाई। हम वैद्य जी को भी लेकर आते हैं। नहीं, कोई जरूरत नहीं है वैद्य जी को बुलाने की, मैं ठीक हूँ। यहाँ क्या हो रहा है, कोई बताएगा हमें? आप लोगों की आवाज कक्ष के बाहर तक आ रही थी। वो हम दरबार नहीं गए इसीलिए। अहिल्या तुम्हें कितनी बार समझाया है, दरबार की बातें जावे साहेब पे छोड़ दो, उन्हें निर्णय लेने दो क्या सही है और क्या गलत। मैं भी यही समझाना चाहती थी छोटी रानी, लेकिन उन्हें तो छोटे सूबेदार जी पर भरोसा ही नहीं है। पार्वती, किससे क्या कहना चाहिए इसकी समझ नहीं है तुम्हें? राजनीति, दरबार,
प्रशासन, इस सब के बारे में तुम कुछ जानती हो? तो जिन बातों का ज्ञान नहीं है उन बातों के बीच में तुम क्यों बोल रही थी? अहिल्या से तुम कैसे बात कर रही थी? सुना हमने। पार्वती, एक बात अच्छी तरह से सुन लो और समझ लो, अहिल्या तुमसे रिश्ते में, औहदे में बड़ी है। अहिल्या को पति धर्म सिखाने के लिए हम है ना, तीन रानियां भी है। तुम्हें उसे सिखाने की कोई जरूरत नहीं है। कह लगा और खंडेरा, हम यहां तुम्हें यही बताने आए थे कि गुणोजी जावई साहेब को दरबार में अपने अधिकार देकर अच्छा नहीं किया तुमने। तुम्हारा ये निर्णय गलत है। सच कहे तो हमने सिर्फ शुरुआत की है, अब आगे बहुत कुछ करना बाकी है। हमने आज तक जितने भी पापड़ बेले हैं ना, अब वो सूख कर तैयार हो गए, अब बस उन्हें सेक कर खाने का समय आ गया है। हम खंडेराव को दरबार आने का समय ही नहीं देंगे, और जब तक मल्हार सरकार मुहिम से वापस लौटेंगे तब तक सब कुछ बदल गया होगा। पार्वती, क्या बात है, इस तरह रो क्यों रही हो? अहिल्या बहुत शातिर है और अपनी गर्भावस्था का सही समय पर उपयोग करते रहना तो जैसे उसकी आदत बन गई है। सबका ध्यान हमेशा उसी की तरफ हो जाता है और उसे दर्द में देखकर अक्का साहेब मजबूर हो जाती हैं। अपने वंश के चिराग को तकलीफ ना हो इसलिए अहिल्या की हाँ में हाँ मिला देती हैं वो। कल अहिल्या की बात सुनकर एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा कि शायद वो मेरे बारे में बुरा नहीं सोचती। उन्हें लेकर मेरे मन में जो कड़वाहट है उसके बारे में मैं फिर से सोचने लगी। मुझे लगा शायद मैं ही गलत समझ रही हूँ, लेकिन आज फिर से एक बार उनका असली चेहरा सामने आ गया। अब जब ये चेहरा दिख ही गया है तो इसे भूलना मत पार्वती। जाओ अपने कक्ष में जाओ और थोड़ा विश्राम कर लो। एक दिन आपको अधिकार क्या मिल गए, सबकी आंखों में तीर की तरह चुभने लग गई ये बात। और इतने सालों से हम पर जो अन्याय हो रहा है वो किसी को नजर नहीं आया, आज तो हम इन सबको। सासू भाई आप शांत हो जाइए। जावई साहब, हम आगे जो भी करना है वो हम करेंगे, आप बस देखते जाइए। खंडेराव, अहिल्या का ध्यान रखने के लिए हम हैं ना, और मात्रा तो वैद्य जी की देखरेख में ही दी जाती है अहिल्या को। बाबा साहेब आप पर विश्वास करके मुहिम पर चले गए हैं छोटे सुबेदार जी। उनकी अनुपस्थिति में
मालवा के प्रति आपका कर्तव्य आपको पूरी निष्ठा से निभाना होगा। तुम्हें इस सिंहासन और इस सिंहासन की नींव को ध्यान में रखना है, इसकी रक्षा करनी है, सुरक्षित रखना है। अहिल्या, सीताबाई ने तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद की चीजें भेजी, देखो तो जरा। गर्भावस्था में ये सब खाने का मन तो करता होगा, क्यों? अहिल्या, ये महाकाल की भस्म है, हमारी काकी खास कर उज्जैन से तुम्हारे लिए लाई। धन्यवाद। बाबूजी, ये आप क्या कर रहे हैं? खंडेराव, किसी भी तरह का मानसिक तनाव अहिल्या के लिए ठीक नहीं है। इसका प्रसन्न रहना बहुत जरूरी है। तुमने हमें जो अधिकार दिए हैं, इस बात को लेकर ये बहुत परेशान है, और इस अवस्था में इसका परेशान रहना बिल्कुल भी उचित नहीं है। रुचिता जी, आप गलत समझ रहे हैं। मैं तो बस ये चाहती थी कि ये खुद आज तुम्हें हमें कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है अहिल्या। तुम बस इतना जान लो कि हम तो सिर्फ खंडेराव की मदद करना चाहते थे, लेकिन हमारी मदद अहिल्या की चिंता का कारण बने ये हम नहीं चाहते। अहिल्या अभी आई बनने वाली है, और इस समय इसकी सेहत से जरूरी और कुछ भी नहीं है। और तुम दोनों की खुशी से बढ़कर हमारे लिए और कुछ भी नहीं। तुम मालवा का भविष्य हो खंडेराव, और मालवा का उत्तराधिकारी अहिल्या की कोख में है। इसलिए हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से ने हम पर विश्वास करके हमें इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी। लेकिन अब तुम इसे वापस रख लो खंडेराव, हम मालवा के लिए अपना सर्वस्व भी मिटा देंगे ना, तो भी हम पर कोई विश्वास नहीं करेगा। गुनोजी सरदार, अब कम शाही पर उतर आए हैं। गुनोजी, मल्हार सरकार ने आज तक हमारे एक भी सुझाव को अनदेखा अनसुना नहीं किया है। और गुनोजी सरदार हमारे सुझाव को लिखित में देने को कह रहे थे। कह क्या रहे थे, उनके कहने का तरीका आदेश से कम नहीं था। हम कुछ बोले कहे उसके पहले तो उन्होंने दस्तावेज पर दरबार के मंजूरी की मोहर तक लगा दी। हमारा सुझाव हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। गंगोपाध्याय, हमें लगता है कि एक बार खंडेराव से बात कर लेनी चाहिए, उसे बताना चाहिए कि आज दरबार में हुआ क्या। तुकोजी, खंडेराव से बात करके भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने वो दस्तावेज देखा, उसमें खंडेराव ने खुद ही अपने सारे अधिकार गुनोजी को दिए हुए हैं।
देखो जी, हमें चिंता इस बात की है कि खंडेराव ने ये गलती दोबारा की तो अनर्थ हो सकता है और फिर हम बात को संभाल नहीं पाएंगे। लगता है पूरी जिंदगी हमें इसी अविश्वास के साए में गुजारनी पड़ेगी। भौजी, आप क्या कह रहे हैं? आप हमारे अपने हैं भौजी, परिवार हैं आप। आपको आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। आपके अधिकारों से यहां पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है भौजी। हम आपको खो नहीं सकते भौजी। आप हमारे जीजा कम हमारे बड़े भाई ज्यादा हैं। आप हमें समझते हैं, एक मित्र की तरह आपने हमारा मार्गदर्शन किया है। हमें आप पर पूरा विश्वास है गुरुजी भौजी, और हमेशा रहेगा। नहीं खंडेराव, तुम अभी बस भावुक होकर ये सब कह रहे हो, लेकिन कल अगर कोई बात उठी तो शायद हमारा विश्वास कोई रेत की लकीर नहीं है गुरुजी भौजी, कि दरिया की मौज से मिट जाए। हमें आप पर विश्वास है और आजीवन आप पर विश्वास रहेगा। और आज हम सबके सामने ये घोषणा करते हैं कि जब तक बाबा साहेब वापस लौटकर नहीं आ जाते और अगर हम किसी कारणवश दरबार नहीं पहुंच पाते तो हमारे सारे अधिकार आपके पास रहेंगे। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.